इंतजार खत्म। मैं आ रही हूँ बेटा तुम्हारे फॉस्टर पेरेंट्स से मिलने। क्या बात है, क्या बात है। इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए लगता है एक केमिस्ट्री। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप तीनों की इस केमिस्ट्री का राज क्या है। हमारे परिवार का बस एक ही ओपन सीक्रेट है, प्यार। वी आर अ हैप्पी फैमिली। दरअसल बात यह है कि जब एक अकेला इंसान नाचता है तो उसके पांव नाचते हैं, लेकिन जब कोई अपने परिवार के साथ नाचता है तो दिल से नाचता है। और दिल से निकली बात हो या डांस हो, सभी के दिल तक पहुंचती है। एक पूछेंगे ना तो 100 बताएंगे, सब हमें चलाने के लिए। थैंक यू। जोरदार परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस के लिए हम इवेंट वाले आप लोगों को एक अवार्ड देना चाहते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आज इन प्यारी प्यारी सी परफॉर्मेंसेस के बाद होने जा रहा है पतंगबाजी का मुकाबला, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है गाइस। और सरप्राइज के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। एंड वी बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सॉरी। तुम क्या सॉरी बोल रहे हो? माँ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। प्लीज उनकी बातों को दिल पे मत लेना। बातें ना तीर की तरह होती है, निशाने पे लग जाए तो सीधा बहुत गहरी चुभती है, और बा उनकी बातें तो वो तो सीधा दिल पे एम करके निशाना मारती है। तुम दोनों बड़े हो, समझदार हो, तो इसलिए तुम दोनों को कुछ समझाऊंगी नहीं, ज्ञान नहीं दूंगी। बस यही कहूंगी कि बाकी बातें कभी तीखी होती है, कभी गलत भी होती है, पर बड़ों की बातों का बात से जवाब देना, बदतमीजी मत करना। गुस्सा सबको आता है, सब पे आता है, पर सब पे निकाला नहीं जाता। इंसान वही होता है जो गुस्से में लिहाज रखे और जो खुशी में तमीज रखे। मम्मी हम लोग स्टॉल पे जा रहे हैं। सब ठीक है? ऑल ओके? नहीं, पर बाद में बात करें। जैसा तुम कहो। अच्छा, हेलो काव्या, कहाँ हो तुम? वनराज, मैं अभी बात नहीं कर सकती। अरे इतनी भी क्या बिजी हो कि तुम्हारे पास हमसे मिलने का टाइम नहीं है? और ये कौन से सरप्राइज की बात कर रही हो तुम? वनराज, मैंने कहा ना मैं अभी बात नहीं कर सकती। जस्ट वेट प्लीज, बाय। तू पहले मुझे ये बता, तू यहाँ कर क्या रहा है? अरे तूने मुझे क्या कहा था कि तुझे हॉस्पिटल जाना है? अरे पर मैं तेरे को घेर। क्या हो रहा है, क्या हो गया? पापा कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त को फ्लैट लेना था तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रही थी। दैट्स इट। फ्लैट माय फुट। मेरे अंकल बिल्डर है, मैं तेरे पास आऊंगा फ्लैट खरीदने के लिए। अंकल मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो उसने मुझसे 2 घंटे के लिए गाड़ी मांगी थी और अब 3 घंटे हो चुके हैं, तो मैं अपनी कार लेने आया हूँ। इसने मुझे कहा था कि दादाजी बीमार हैं, हॉस्पिटल जाना है, लेकिन ये तो मैं फिर में मजे कर रहा है। मुझे लगा दोस्त को जरूरत है तो मैंने से अपनी कार दे दी, लेकिन यहाँ के पता चला कि दोस्त कितना बड़ा झूठा है। ये चंगू मंगू मुझे कहते हैं कि रॉयल एकर्स के अंदर मुझे फ्लैट दिलवाएंगे। अरे रॉयल एकर्स मेरी बिल्डिंग है भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने पता नहीं मेरी गाड़ी का ठोक दी है। ये देखिए आप,
पूरी गाड़ी पे स्क्रैच आ चुके हैं। अरे मैंने नहीं टोकी है, यहाँ पे मेले में इतने सारे लोग हैं, किसी ने आगे स्क्रैचेस मार दिए होंगे। तो ऐसी जगह पे गाड़ी लाए क्यों भाई? तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई भी तू ही करेगा। जब मैंने गाड़ी ठोकी नहीं है तो फिर इसका नुकसान क्यों भरूंगा? जब इतना ही शौक है महंगी गाड़ी चलाने का तो जाकर कमाना, दूसरों से क्यों मांगता है? हाँ तो तूने भी कोई पैसे खुद नहीं कमाए हैं, तू भी अपने पापा के कैश पे ऐश कर रहा है। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पापा अफोर्ड कर सकते हैं, अनलाइक योर फादर। और सच बताऊं तो मैंने तेरी हेल्प सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तेरी मम्मी कपाड़ियां हैं। मुझे लगा तुझे महंगी गाड़ी चलाने की आदत होगी, लेकिन चलाना तो छोड़, तेरी तो महंगी गाड़ी खरीदने की औकात तक नहीं है। How dare you? How dare you? ए तमीरी, ए तू मैं छोड़ कर दिया तू? हां क्या भी क्या कर रहा है? स्टॉप इट निखारिस, स्टॉप इट प्लीज। बेटा आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ होगा मैं भर दूंगा। चलो चल। थैंक यू। बस बस अब तेरा ये ऑफिस, ये बिजनेस और ये नाटक सब बंद। थैंक यू। दी आप और जीज के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? कब नहीं होता। हाँ बट ये थोड़ी सीरियस लग रही है। कोई नई बात नहीं है, पुरानी चोट है, दोबारा ताजी हो गई। पक्का? मुझे नहीं पता था तुम्हारा ब्रेक इतना छोटा होने वाला है। तुमने पाखी को माफ भी कर दिया, झोरू के गुलाम भी बन गए और अब शाह की सेवा में आगे पीछे लीन होते रहते हो। दी पॉइंट ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट इज कि क्या मैं खुश हूँ। And trust me, I'll be very honest, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है, तुम बहुत खुश हो, तुम सुधर गए, पाखी सुधर गई, बस उन शाह से दूर रहो, they're very toxic people। ये toxicity तो हमारी फैमिली में भी है ना, अब इस हिसाब से तो मुझे आपसे और जीत से दूर रहना चाहिए। दी आई थिंक कि आपको ना मेरी खुशी में खुश होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैं बदल रहा हूँ, मैं खुद को संभाल रहा हूँ, सुधर रहा हूँ। और If I'll be very honest, जब से मैंने ये चीखना चिल्लाना बंद किया है ना और सुनना और समझना शुरू किया है, मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। And you know, I'm very lucky to have a family. वो जैसी भी है तो मेरी फैमिली। इसलिए आई थिंक मेरी खुशी में आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। क्या हुआ बच्ची? माँ यहाँ नहीं आई। आ जाएगी, आ जाएगी माया। हाँ चलो पतंगबाजी शुरू होने वाली। नहीं सबसे पहले मैं माया से मिलूंगी। क्या हुआ लीला? अब होने को बचा क्या है? अब सबसे दार दार मांझा बांधे तो सबकी पतंग काटूंगी। मांझा बहुत तेज हो तो हाथ भी कटता है। यहाँ कलेजा कट गया है, हाथ क्या चीज है? पतंगबाजी तो खेल है, उसे जंग का मैदान मत बना। बन जाने दीजिए मेरी बला से। हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे और हमारे प्यार की पतंग हमेशा उड़ती रहे। आज हम किसी की पतंग नहीं काटेंगे और हम अपनी भी नहीं कटने देंगे। परी मम्मा एंड लवली पा पुश इट डाउन। चलो ठीक है, पतंग पे मेरा नाम नहीं तो कम से कम मुझे चरखी तो पकड़ने दो। Whatever.
मेरी पतंग अब तुम्हारे हाथ में। How was it? बताओ ना, how was it? तुम्हें पता है सब मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। शुरू में तो मैं बहुत नर्वस थी, मुझे पता नहीं था कैसे कर पाऊंगी मैं ये, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे गई अचानक से इतना कॉन्फिडेंस आ गया। आई वाज फीलिंग जैसे कि मैं कहीं की क्वीन हूं। I'm so happy. Yes, you were looking like a queen, absolutely. Thank you, Mohit. All the best. जितनी भी पतंगे ना सारी काट देना। बिल्कुल। I'm right here. और मैं भी कॉम्पिटिशन में हूँ, इसीलिए ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। Yes, all the best. कौन सा कलर? की? अशोक, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों बच्ची? What happened? हाँ, ऐसे सेठ सेठ रहेंगे तो ऐसे मूड में हम कंपटीशन कैसे जीतेंगे पतंगबाजी की? मुझे माया वाली पतंग उड़ानी थी, वो ना मुझसे मिलने आए ना मेरे लिए पतंग लेकर आए। कोई बात नहीं, अगर माया नहीं आ सकी तो क्या हुआ, आपकी मम्मी हैं, पापा हैं। मम्मी पापा काफी नहीं है, है ना? तो फिर स्माइल ना। हाँ ना, स्माइल। स्माइली 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 स्माइली। सबसे पहले हम अनु का नाम लिखेंगे। सबसे पहले अनु का नाम लिखा जाएगा। टीचर, ये है हमारी फैमिली काइट, अनु, अनुपमा एंड अनुज, और ये पतंग हम सब मिलकर उड़ाएंगे। ओके, प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।